नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में और आपको बताएंगे किस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की लहर खत्म हो गई, किस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार गिर चुकी है। बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से भाजपा हार के करीबन पहुंच चुकी है। हालांकि हारी नहीं है लेकिन हार के करीबन जरूर पहुंची है। हम बात करेंगे यहाँ पर भाजपा किस प्रकार से सरकार नहीं बना पाएगी और क्यों सरकार नहीं बना पाएगी, हम बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, बताएंगे आपको हरियाणा का पूरा रिजल्ट, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और आपको क्या लगता है भाजपा की हार का कारण, हार का कारण कह सकते हैं क्योंकि बहुमत नहीं ले पाई है भाजपा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं इस वीडियो में भाजपा किस प्रकार से हार चुकी है। तो आपको बता दें हरियाणा में टोटल 90 सीटों पर रिजल्ट आने को है और ये रिजल्ट अब ग्राफ के हिसाब से भी अपने सामने देख रहे हैं जो GCI ने प्रोवाइड कराया है। और आपको बता दें इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि आधे से ज़्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लेकर गई है, यानी कि BJP कम लेकर गई है। बात की जाए अगर यहाँ पर तो आपको बता दें 40 टोटल BJP अभी तक है, 40 पर यहाँ पर कह सकते हैं कि दो जिसमें से आगे भी है और 38 सीटें जीत चुकी है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ आंकड़े अलग भी देख सकते हैं लेकिन ये आंकड़े थोड़े से पीछे ज़रूर चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप अपने सामने एक और ग्राफ देख सकते हैं, BJP 40 जहाँ पर दो सीटों पर आगे भी चल रही है, वहीं कांग्रेस 15 से 30 सीटों पर चल रही है। कांग्रेस जिसमें से 29 सीटें जीत चुकी है और एक सीट जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं JJP 10 सीट जीत चुकी है, वहीं INLD 1 और 9 अदर। यहां पर एक और बात बनती है दोस्तों, यहां पर करना होगा गठबंधन और गठबंधन सिर्फ दो पार्टियों के बीच होता है तो जीत कांग्रेस तो नहीं सकती बट अगर भाजपा करती है जरूर जीत सकती है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि 90 सीट यानी कि 90 सीट थी टोटल हरियाणा में और BJP को लानी थी 46 सीट अगर जीतना चाहती है बहुमत के साथ, तो लेकिन यहाँ पर जीती नहीं है। जीती ज़रूर है लेकिन ये जीतने में जीतना नहीं था क्योंकि अब सरकार नहीं बन सकती भाजपा की। बात की जाए अगर भाजपा, तो भाजपा अगर JJP को अपने साथ कर लेती है तो जीत जरूर सकती है। इसी के साथ INDB 7 सीटें जीत चुकी है, यानी कि अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो कांग्रेस को अपने साथ JJP और INDB को करना होगा तभी कांग्रेस जीत सकती है, अन्यथा कांग्रेस की हार बिल्कुल निश्चित है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की एक बार को तो सरकार गिर चुकी है क्योंकि पूरा विश्वास है कि JJP अब कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन एक INDB पार्टी भी है वहाँ पर जो कि समीकरण का खेल बिगाड़ रही है और अगर भाजपा उसको अपने साथ कर ले, गठबंधन कर ले, तो भाजपा की सरकार निश्चित ही है। अब देखते हैं चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा में हाहाकार मच गया है, भाजपा पार्टी के अंदर काफ़ी हाहाकार मच गए और गठबंधन के लिए दौड़ेंगे। अब जो पार्टी उनके साथ होना चाहती है वो तो होंगी लेकिन लग रहा है कि JJP कांग्रेस के साथ जाने वाली है, लेकिन कांग्रेस का साथ अगर JJP आती है फिर भी कांग्रेस जीतना मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस को चाहिए जीतने के लिए 16 सीट और वहीं भाजपा को चाहिए 6 सीट। अगर भाजपा के साथ INDB या फिर JJP जाती है तो भाजपा बिल्कुल जीत जाती है। अब देखते हैं कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है क्योंकि भाजपा कम ही गठबंधन करती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से गठबंधन कर सकती है लेकिन देखना होगा किस प्रकार से कर सकती है गठबंधन, क्योंकि यहाँ पर छोटी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया जाएगा, आदर्श के साथ गठबंधन करके सरकार को स्टेब्लिश किया जाएगा। अब गठबंधन किसके साथ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो निर्णय आता है वो जनता के अनुसार नहीं आता है, हम यही कह सकते हैं गठबंधन में जनता नहीं चाहती है वो निर्णय आ जाता है। देखते हैं पार्टियाँ क्या कुछ करती है, जैसे ही पार्टियों की तरफ से कोई भी बड़ी खबर आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।